वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, मेरोजाइगोट क्या होता है, मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन क्या होता है, और वेरियस केसेस हम लोगों ने स्टडी किया था मेरोजाइगोट लैक ऑपेरॉन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में ग्लूकोज इफेक्ट देखेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हम लोग क्या देखेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोलते हैं, या हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो यही टॉपिक आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो देखो, सिंपल अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, तो इसको ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक कल्चर मीडियम है, ठीक है, और उस कल्चर मीडियम में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दो सुगर दिया गया है। ठीक है, एक सुगर क्या चीज है, ग्लूकोज है, और दूसरा सुगर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, पहले बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, और ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के बाद वो बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रोथ करेगा। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। जब ग्लूकोज कंप्लीटली कल्चर मीडियम में खत्म हो जाएगा, तब वो हम लोग बोलेंगे वो बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है कि अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो मीडियम में और लैक्टोज भी प्रेजेंट हो मीडियम में, बैक्टीरियल मीडियम में, ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तब बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज को पहले यूटिलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब यूटिलाइज बैक्टीरिया करेगा लैक्टोज को। ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यही हम लोगों को स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो देखो, ग्लूकोज इफेक्ट में हम लोग क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ये ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, वैसे मैंने अभी बताया ब्रीफ में। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ग्लूकोज इफेक्ट को क्यों हम लोग कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, रिप्रेशन का मतलब होता है सप्रेस करना। ठीक है, क्यों हम लोग ग्लूकोज इफेक्ट को कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तीसरा हम लोग क्या स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, ये क्या होता है डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व, क्या होता है जिसको हम लोग डबल क्या बोल सकते हैं, डबल ग्रोथ कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेजुसियस इंड्यूसर का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे लैक ऑपेरॉन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है ग्लूकोज का लैक ऑपेरॉन में। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो टॉपिक्स है वो हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज इफेक्ट्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या चीज, पहला हेडिंग क्या चीज, ग्लूकोज इफेक्ट ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है सप्रेस करना, रोकना। ठीक है, ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रेशन, जिसमें क्या होता है, एक सुगर या हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज क्या करेगा, रिप्रेस करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ अदर सुगर को, मतलब लैक्टोज को। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट, या क्या बोलते हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाया हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर समझाया हूँ उसको देखो, मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, बहुत इजी है, देखो कि मान लो कि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मान लो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, तो हम लोग बोलेंगे ये मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, तो इसके सराउंडिंग में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसके सराउंडिंग में क्या चीज है, कल्चर मीडियम है मान लो। ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कल्चर मीडियम है, और कल्चर मीडियम में हम लोग क्या डाले हैं, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को भी डाले हैं कल्चर मीडियम में। ठीक है, और क्या चीज को डाले हैं, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को भी डाले। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज को हम लोग फर्स्ट सुगर बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और लैक्टोज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकंड सुगर बोल सकते हैं समझने के लिए। दोनों क्या चीज है, सुगर ही तो है, ग्लूकोज भी क्या सुगर है, लैक्टोज भी क्या चीज है, सुगर है। और ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, सराउंडिंग मीडियम है, कल्चर मीडियम है, किसका, बैक्टीरिया के चारों तरफ, जिसमें हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज और लैक्टोज का यूज किया गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो ईकोलाई बैक्टीरिया है ना, वो ईकोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। ठीक है,
ये बैक्टीरिया क्या करेगा, फर्स्ट यूटिलाइजेस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, ये मान लो कि ग्लूकोज को मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ये क्या चीज है, ग्लूकोज है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सबसे पहले ग्लूकोज को इनटेक करेगा या ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को अपने अंदर लेगा बैक्टीरिया, और इस ग्लूकोज से क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, इस ग्लूकोज का यूज करके ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, ग्रोथ करेगा। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। ठीक है, याद रखना। अब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे जो दूसरा जो शुगर है जिसको लैक्टोज बोल रहे हैं, इसके यूटिलाइजेशन को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है ना, इसके यूटिलाइजेशन को क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, सप्रेस कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रिप्रेस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, कौन, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट शुगर या ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सप्रेसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट इज लैक्टोज। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, पहले हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को इनटेक कर रहा है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया सबसे पहले यूटिलाइज कर रहा है ग्लूकोज को, और उस ग्लूकोज से हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया यूज करके एटीपी बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, और उससे हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है। जब ये ग्लूकोज कंप्लीटली सराउंडिंग मीडियम में खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम में, तभी हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया किसको इनटेक करेगा, हम लोग बोलेंगे ये मान लो लैक्टोज है। ठीक है, इसको ऐसे बना रहा हूं, ऐसे करके, ये मान लो लैक्टोज है, तभी बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को यूज करेगा। ठीक है, तभी बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, लैक्टोज को यूज करेगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके सराउंडिंग मीडियम में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कल्चर मीडियम, और उस कल्चर मीडियम में हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को भी डाला गया है और लैक्टोज को भी डाला गया, मतलब दो शुगर को डाला गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने ग्रोथ के लिए सबसे पहले किसको इनटेक करेगा, सबसे पहले किसको यूटिलाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। इसका मतलब ग्लूकोज यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को या सेकेंड शुगर के यूटिलाइजेशन को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज इफेक्ट। ठीक है, जब तक सराउंडिंग मीडियम में या कल्चर मीडियम में, बैक्टीरिया के जो कल्चर मीडियम है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तब तक बैक्टीरिया किसको यूज करते रहेगा, ग्लूकोज को यूज करते रहेगा, लैक्टोज का यूज नहीं करेगा। जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम में, ठीक है, जब ग्लूकोज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम में, कल्चर मीडियम में, बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडियम है, तब जाके हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा शुगर जिसको बोलते हैं लैक्टोज, उसको यूज करेगा। ठीक है, और जब ये लैक्टोज को बैक्टीरिया यूज करेगा, इसका मतलब क्या चीज है कि ग्लूकोज खत्म हो चुका है, कब, हम लोग बोलेंगे ये कल्चर मीडियम, तभी तो ये लैक्टोज को यूज कर रहा है ना। और जब ये लैक्टोज को यूज करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना लैक ऑपेरॉन को टर्न ऑन कर लेगा। ठीक है, लैक ऑपेरॉन टर्न ऑन होगा, तभी तो लैक्टोज को तोड़ने वाला क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। वो क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, मतलब लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज एंड हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज में। अब ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का यूज करके बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रोथ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसका मतलब बताने का मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज क्या करता है, क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज के यूटिलाइजेशन को सप्रेस करता है। ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट, वही मैंने यहां पर लिखा है। ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वन शुगर मतलब ग्लूकोज रिप्रेसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर शुगर मतलब लैक्टोज। ठीक है, जो मैंने लिखा वही मैंने बताया। अब इसको इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। ठीक है, या कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, रिप्रेशन टर्म इसीलिए आ रहा है क्योंकि ग्लूकोज ही क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को रिप्रेस कर रहा है। एक्चुअल में ये ग्लूकोज जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, लैक ऑपेरॉन रहता है ना, इस लैक ऑपेरॉन को ये ग्लूकोज क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे क्या कर देता है, ऑफ करा देता है, टर्न ऑफ करा देता है। ठीक है, तो जब लैक ऑपेरॉन टर्न ऑफ हो गया तब हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का तो यूटिलाइजेशन हो गया ही। ठीक है, क्योंकि लैक ऑपेरॉन क्या चीज है, टर्न ऑफ है। तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को सप्रेस कर दे रहा है। ठीक है, मतलब लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को क्या कर दे रहा है, रिप्रेस कर दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट को, हम लोग कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है ना, तो अब इससे हम लोग को ये समझ में आता है, देखो ध्यान से, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जब भी कभी ग्लूकोज इफेक्ट होगा, ठीक है, जब भी कभी ग्लूकोज इफेक्ट होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये बैक्टीरिया का ग्रोथ देखो होगा, बिल्कुल होगा, जब ग्लूकोज यूज होगा तब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा,
और ये जो जब ग्लूकोज का यूज करेगा बैक्टीरिया और तब बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो ये ग्रोथ क्या होगा हम लोग बोलेंगे बहुत फास्ट होगा, जिसको बोलते हैं रैपिड ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरिया अपने नंबर को बहुत तेजी के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, रैपिड ग्रोथ करेगा जब ये बैक्टीरिया ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करेगा तब। ठीक है, और जब ग्लूकोज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया लैक्टोज का यूज करके क्या करेगा, देखो ग्रोथ को करेगा। तो ये जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्लो होता है एज कंपेयर टू क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से अगर कर्व को हम लोग देखेंगे तो दो टाइप का कर्व आएगा। ठीक है, एक ये वाला रैपिड ग्रोथ वाला कर्व, एक हम लोग बोलेंगे स्लो ग्रोथ वाला कर्व। इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक आइडिया यहाँ पर बताया। ठीक है, इसका मतलब जब भी कभी याद रखना है, जब भी कभी ग्लूकोज इफेक्ट होगा ना तो याद रखना है कैसा ये कैसा ग्रोथ कर्व आएगा, हम लोग बोलेंगे डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यही है हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज इफेक्ट। तो इसको मैंने एग्जांपल से समझाया, देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या एग्जांपल से समझाया, इसको मैंने यहाँ पर ये समझाया है कि अगर मान लो एक कल्चरिंग मीडियम में क्या ले ले, अगर मान लो कि एक कल्चरिंग मीडियम में क्या ले ले, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया को ले ले, और कल्चरिंग मीडियम में क्या, कल्चरिंग मीडियम कंटेन्स टू शुगर, मतलब ग्लूकोज और लैक्टोज रहेगा कल्चरिंग मीडियम में, तब बैक्टीरिया किसको पहले यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, देख सकते हैं, फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, तब बैक्टीरिया क्या चीज को यूज करेगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंड शुगर या हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का यूज करेगा फॉर इट्स ग्रोथ, देख सकते हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर बताया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट कॉज इज रिप्रेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। बिल्कुल, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन किसको, किसकी यूटिलाइजेशन को रिप्रेस कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को रिप्रेस कर रहा है, कैसे करके, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है लैक ऑपरेशन को टर्न ऑफ करा देता है, कैसे करा, हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसी फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन इज नोन एज कैटाबोलाइट रिप्रेशन, या क्या बोलते हैं, कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि ये ग्लूकोज इफेक्ट को हम लोग कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्यों बोलते हैं, तो यही रीजन है क्योंकि ग्लूकोज क्या कर रहा है, दूसरा जो शुगर है उसको क्या कर रहा है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, दूसरा शुगर के यूटिलाइजेशन को रिप्रेस कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, या कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज इफेक्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम याद रखना है जब ई कोलाई बैक्टीरिया को वैसे कल्चर मीडियम में रख दिया गया जिस कल्चर मीडियम में ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, तो उस टाइम पे देखा गया कि ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज पहले यूटिलाइज हो जा रहा है, और ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को सप्रेस कर रहा है, लैक्टोज के यूटिलाइजेशन को सप्रेस कर रहा है, फर्स्ट टाइम देखा गया ग्लूकोज के थ्रू, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, द कैटाबोलाइट रिप्रेशन वॉज फर्स्ट सोन टू बी इनिशिएटेड बाई ग्लूकोज, देयरफॉर समटाइम्स रिफर्स टू एज ग्लूकोज इफेक्ट। ठीक है, या ग्लूकोज इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि द एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू इनहिबिट द यूज ऑफ अदर कार्बन सोर्सेस इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्लूकोज इफेक्ट। देख सकते हैं ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को तोड़ने वाला जो लैक ऑपरेशन का जो जीन है उसको ऑफ करा दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लैक्टोज के यूटिलाइजेशन को रोक दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ग्लूकोज अपना इफेक्ट को दिखा रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्लूकोज इफेक्ट। अब देखो, अब हम लोग ना इसको एक मतलब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एक पेट्री डिश हम लोग लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज को डालेंगे और बैक्टीरिया का हम लोग ग्रोथ को देखेंगे कि बैक्टीरिया किसको यूज करता है, ग्लूकोज को या लैक्टोज को। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, देखो यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो यहां पर समझते हैं कैसे, दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मान लो एक पेट्री डिश है। ठीक है, ये मान लो एक पेट्री डिश हम लोग लिए, ऐसे करके मैं पेट्री डिश को ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके ये मान लो एक पेट्री डिश है। ठीक है, अब ये जो पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में हम लोग क्या लिए हैं, इस पेट्री डिश में हम लोग न्यूट्रिटिव मीडियम लिए हैं। ठीक है, या कल्चर मीडियम लिए हैं, या कल्चर मीडिया लिए हैं। ठीक है, ऐसे करके तो ये देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूट्रिटिव मीडियम है। ठीक है, और इस न्यूट्रिटिव मीडियम में क्या क्या है, देखो ध्यान से, इस न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्लूकोज है,
ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज है, लैक्टोज है, लैक्टोज भी है, लैक्टोज भी है, लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, ठीक है। इस कल्चरिंग मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये पेट्री डिश में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक बैक्टीरिया को मैं बना रहा हूँ, ये बैक्टीरिया मान लो ई कोलाई का बैक्टीरिया है, ठीक है, ये मान लो ई कोलाई का बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई का बैक्टीरिया है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी क्या चीज है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब देखो, अब होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पर क्या चीज है, ग्लूकोज इफेक्ट में क्या होगा, याद रखना ग्लूकोज के साथ दूसरा शुगर मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, और वो शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टोज, ठीक है। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, बैक्टीरिया क्या चाहेगा, बैक्टीरिया अपना रैपिड ग्रोथ करवाना चाहेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया सबसे पहले किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे पहले किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, कौन, बैक्टीरिया पहले, ठीक है। क्यों ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा, इसीलिए ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा क्योंकि ग्लूकोज क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ग्लूकोज क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, एटीपी बनेगा, और हम लोग बोलेंगे उस एटीपी या एनर्जी से बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना जो ग्रोथ है ये हम लोग बोलेंगे रैपिड मल्टीप्लीकेशन कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इसका मतलब कल्चर मीडियम में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया किसको यूटिलाइज कर रहा है, ग्लूकोज को पहले यूटिलाइज कर रहा है, और क्या कर रहा है, रैपिड ग्रोथ कर रहा है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन कर रही है, रैपिड ग्रोथ कर रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। देखो ध्यान से, जब ये सारा का सारा ग्लूकोज, देखो ध्यान से, जब ये सारा का सारा ग्लूकोज क्या हो जाए, कल्चरिंग मीडियम में खत्म हो जाए, बैक्टीरिया इसको यूटिलाइज कर दिया, देखो ध्यान से, ग्लूकोज, सारा ग्लूकोज को कौन यूटिलाइज कर दिया, बैक्टीरिया यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कल्चरिंग मीडियम में अब क्या हो गया, जो ग्लूकोज वो खत्म हो गया, खत्म हो गया तो अब क्या बच गया, लैक्टोज बच गया ना, तो लैक्टोज को अब बैक्टीरिया क्या करेगा, यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तब जाके बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा, और लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा बैक्टीरिया, फिर ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या हम लोग बोलेंगे ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग को ये समझ में आता है कि सबसे पहले ग्लूकोज इफेक्ट में क्या होगा, बैक्टीरिया किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जब सारा का सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तभी बैक्टीरिया लैक्टोज को यूज करेगा, ठीक है। इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को सप्रेस कर रहा है, या रोक रहा है, या रिप्रेस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, या कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं बस एक बैक्टीरिया को यहाँ पर मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, बस एक ई कोलाई बैक्टीरिया को मैं ऐसे करके यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये मान लो कि बस एक ई कोलाई बैक्टीरिया है ये वाला, ठीक है, ये एक ई कोलाई बैक्टीरिया मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। और सराउंडिंग मीडियम में क्या चीज, देखो ध्यान से, सराउंडिंग मतलब कल्चर मीडियम में क्या चीज है, ग्लूकोज है, ठीक है, देख सकते हैं ग्लूकोज भी है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज भी है, दोनों है ना, ग्लूकोज भी है और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज भी है, लैक्टोज भी है कल्चर मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम में बैक्टीरिया के। तो एक्चुअल में देखो ध्यान से, ये बैक्टीरिया का क्या चीज है, अपना जीनोम है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये मतलब बैक्टीरिया का क्या चीज है, अपना जीनोम है, सर्कुलर जीनोम होता है बैक्टीरिया में, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये जीनोम में देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहां से लेके ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑपेरॉन, ठीक है। और लैक ऑपेरॉन तभी काम करेगा जब मीडियम में लैक्टोज रहे, ठीक है। लेकिन यहां पर मीडियम में अगर ग्लूकोज भी रहे, लैक्टोज भी रहे, तब ये लैक ऑपेरॉन याद रखना ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या चीज है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, देखो ध्यान से, बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज को इनटेक करेगा, बैक्टीरिया अपने अंदर किसको इनटेक करेगा, ग्लूकोज को इनटेक करेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज को इनटेक करने के बाद यहां पर एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उस मैकेनिज्म के थ्रू, देखो ध्यान से, उस मैकेनिज्म के थ्रू ये ग्लूकोज क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ने वाला जो लैक ऑपेरॉन का जो जीन्स है उसको क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कराएगा, ठीक है, ऑफ कराएगा। ये इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये मान लो लैक ऑपेरॉन है, ठीक है, हम लोग जानते हैं लैक ऑपेरॉन में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी जीन होता है, क्या होता है, याद कीजिए, ये रेगुलेटरी जीन था, मैंने बताया था कैप सीक्वेंस था, ठीक है। फिर क्या था, हम लोग बोलेंगे लैक प्रोमोटर, याद कीजिए लैक क्या चीज, प्रोमोटर, मैंने बताया था, इसी के अंदर क्या था, हम लोग बोलेंगे ओ लैक ऑपरेटर,
लैक्टोज ऑपरेटर या लैक ऑपरेटर। उसके बाद क्या था हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स था, जिसमें क्या था लैक जेड, क्या था हम लोग बोलेंगे क्या था, उसके बाद क्या था लैक जेड लैक वाई, फिर क्या था हम लोग बोलेंगे लैक ए था। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स था। और ये जीन्स क्या करता है हम लोग बोलेंगे, जब लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर जाता है ना तो उस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। कैसे करते हैं मैंने डिटेल में बताया था, आप लैक ऑपरन देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स वैसा वैसा एंजाइम को बनाता है जो लैक्टोज को इंटेक कराता है और क्या करता है लैक्टोज का ब्रेक डाउन भी करवाता है। ठीक है, तो हुआ क्या है देखो ध्यान से, एक्चुअल में जब ग्लूकोज अंदर जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज जब अंदर जाएगा तो ये ग्लूकोज यहाँ पर एक मैकेनिज्म है। ठीक है, वो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आगे जाकर, ये वाला में ग्लूकोज इफेक्ट और लैक ऑपरन का जब मैकेनिज्म देखूंगा तब। ठीक है, तो ये ग्लूकोज ऐसा कुछ करेगा कि क्या हो जाएगा, ये लैक ऑपरन जो का जो जीन है ना वो क्या हो जाए हम लोग बोलेंगे ऑफ हो जाए, या हम लोग सिंपल बोलेंगे लैक ऑपरन क्या हो जाए हम लोग बोलेंगे ऑफ हो जाए। इसका मतलब लैक्टोज को तोड़ने वाला जो जीन्स है स्ट्रक्चरल जीन्स वो किस कंडीशन में रहा हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन में रहा, मतलब एक्सप्रेस नहीं हो। तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या कर रहा है लैक ऑपरन को क्या कर रहा है ऑफ करा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लैक्टोज अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लैक्टोज अंदर नहीं जा रहा है और लैक्टोज का ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज की वजह से हो रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ग्लूकोज क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज क्या कर रहा है लैक्टोज के यूटिलाइजेशन को रिप्रेस कर रहा है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज क्या कर रहा है इट हम लोग बोलेंगे रिप्रेसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक्टोज। ठीक है, कैसे करके कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को तोड़ने वाला जो लैक ऑपरन का जो जीन है उसको क्या कर दे रहा है हम लोग बोलेंगे ऑफ करा के कर रहा है। ठीक है, कैसे करके कर रहा है वो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में। ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, या कार्बन कैटाबोलाइट ये रिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है मैंने बता दिया, और इसको क्यों हम लोग कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं ये भी मैंने बता दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व क्या होती है मैंने ब्रीफ में बताया कि कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। इसको डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व मतलब डबल ग्रोथ कर्व क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ ऐसा भी बैक्टीरिया होता है ना जो ग्लूकोज को पहले यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे कुछ एसिड को ये करेगा यूटिलाइज करेगा, जैसे सक्सिनिक एसिड हो गया, पहले ये करेगा यूटिलाइज, उसके बाद क्या करेगा हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो वो ऐसा बैक्टीरिया मतलब कौन सा बैक्टीरिया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा एग्जांपल्स की। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ग्लूकोज अगर सराउंडिंग मीडियम में रहेगा अलोंग विद कुछ एसिड भी रहेगा जैसे सक्सिनिक एसिड होता है, तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करके पहले सक्सिनिक एसिड को यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद जब सक्सिनिक एसिड खत्म हो जाएगा ठीक है तब जाके वो बैक्टीरिया क्या करेगा ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे दो ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को सेकेंड यूटिलाइज करता है। ठीक है, जैसे पहला जो बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सुडोमोनास पुटिया। ठीक है, पुटिडा, सुडोमोनास पुटिडा, ये क्या करता है ये सबसे पहले यूटिलाइज करेगा सक्सिनिक एसिड को, उसके बाद ये यूटिलाइज करेगा क्या चीज ग्लूकोज को। क्या मतलब है बताने का ये मतलब है कि मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे सुडोमोनास पुटिडा बैक्टीरिया है, मान लीजिए कौन सा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे ये मान लो कौन सा बैक्टीरिया है सुडोमोनास क्या चीज हम लोग बोलेंगे पुटिडा। ठीक है, ये बैक्टीरिया है मान लो। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कल्चरिंग मीडियम में या सराउंडिंग मीडियम में हम लोग क्या डाले हम लोग बोलेंगे हम लोग डाले सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड और या सक्सिनेट भी बोलते हैं और क्या डाले हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज डाले। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम। ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, तो ये होगा कि ये जो बैक्टीरिया है सुडोमोनास पुटिडा ये क्या करेगा सबसे पहले ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे फर्स्ट यूटिलाइजेस, याद रखना फर्स्ट यूटिलाइजेस क्या चीज हम लोग बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे सक्सिनेट। ठीक है, अब जब सारा का सारा सक्सिनेट खत्म हो जाएगा तब ये क्या चीज को यूज करेगा हम लोग बोलेंगे सेकेंड में क्या चीज को यूज करेगा ग्लूकोज को यूज करेगा। इसका मतलब हो गया कि सुडोमोनास
पुटीडा बैक्टीरिया में, ठीक है, बाउंडिंग मीडियम में अगर सक्सिनिक एसिड रहे और ग्लूकोज साथ में रहे, ठीक है, तब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सबसे पहले सक्सिनिक एसिड को इंटेक करेगा। क्यों? क्योंकि सक्सिनिक एसिड का ये यूज करके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनाएगा और उससे ये बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रैपिड ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, रैपिड ग्रोथ याद रखना है, बैक्टीरिया क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगा। ठीक है, इसका मतलब सक्सिनिक एसिड क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को सप्रेस कर रहा है। जैसे ही सक्सिनिक एसिड खत्म हो जाएगा तब ये बैक्टीरिया फिर क्या क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेकंड में किसको यूज करेगा, यूटिलाइजेस किसको, ग्लूकोज को यूज करेगा, और इस ग्लूकोज को यूज करके ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रोथ करेगा ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो याद रखना है सुडोमोनास पुटीडा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हम लोग बोलेंगे अगर इसके सराउंडिंग मीडियम या कल्चर मीडियम में सक्सिनिक एसिड और ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो ये बैक्टीरिया सबसे पहले यूज करेगा सक्सिनिक एसिड को। जब सक्सिनिक एसिड पूरा खत्म हो जाएगा तभी ये बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को, ताकि बैक्टीरिया क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो मान लो कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो कल्चरिंग मीडियम है ना उसमें मान लो दो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ रहेगा, एक को क्या बोलेंगे हम लोग, सक्सिनिक एसिड और ग्लूकोज रहेगा ना, उस टाइम पे याद रखना हमेशा किस टाइप का ग्रोथ करवाएगा, हम लोग बोलेंगे हमेशा डायऑक्सिक ग्रोथ करवाएगा। ठीक, इस चीज को हमेशा रखिएगा यार। और दूसरा बैक्टीरिया का नाम क्या चाहिए, दूसरा बैक्टीरिया का नाम हम लोग बोलेंगे एजोटोबैक्टर विनेलैंडी। ठीक है, एजोटोबैक्टर विनेलैंडी ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मान लो क्या चीज़ है, एजोटोबैक्टर विनेलैंडी ये वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में अगर दो मॉलिक्यूल को एक साथ रख दिया जाए, एक को हम लोग बोलेंगे या तो गैलेक्टोज रहे, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्या रहे, एसीटेट रहे या एसिटिक एसिड रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज होगा। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज या एसीटेट को यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का यूज करेगा। ठीक है, तो याद रखना है ये कुछ एग्जांपल्स है बैक्टीरिया का, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो कल्चर मीडियम होता है उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वैसा एग्जांपल एग्जांपल है जिसमें ग्लूकोज को पहले यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसमें किसको यूटिलाइज किया जा रहा है, पहले हम लोग बोलेंगे किसको, सक्सिनिक एसिड को, और इस केस में क्या, जिसे हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज या एसीटेट को। ठीक है, उसके बाद ही किसको यूज किया जा रहा है, ग्लूकोज को यूज किया जा रहा है। तो ये एक्सेप्शन है किसका, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज इफेक्ट का, या क्या बोलेंगे, कैटाबोलाइट रिप्रेशन का, याद रखना है। और कोई सा भी केस हो, इस केस में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डबल ग्रोथ करवाएगा या हम लोग बोलेंगे डायऑक्सिक ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज इफेक्ट। तो ये खत्म होता है ग्लूकोज इफेक्ट, क्या होता है, व्हाइट इज कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ डायऑक्सिक ऑक्सिक ग्रोथ कर्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग डबल ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।